तो मान लीजिए 5 गो विधायक अभी गायब है, आप कह रहे हैं कि वजूद है, ये न्यूज में है, हकीकत अभी किसी के पास नहीं, किसी विधायक का फोन नहीं लग रहा है महाराज, आउट ऑफ रेंज बता रहा है। नहीं नहीं, वो लोग सब लोग जगह पर हैं, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, सभी विधायक, कहीं से कोई टूटने वाला नहीं है। और ये जो है भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि जो है सभी पार्टी का जो जीत बना रहे, विश्वास बना रहे, कार्यकारी है, आप निश्चिंत रहें, बीजेपी पास हो जाएगी, जदयू पास हो जाएगी, वो कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसा सभी लोगों को क्यों लगता है कि हमें है कि आज लालू जी जो है वो अपने जिला के लिए कुछ नहीं कर पाए, लेकिन तो उनका बेटा मेडिकल कॉलेज दिए हैं हाल ही में, थावे में, थावे धाम बहुत बेहतर बनने जा रहा है। उस मेडिकल कॉलेज में भी हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। अब जो स्वर्गीय सुभाष जी जो विधायक यहाँ सदर विधायक रहे हैं, उनका कहना है कि हम लाए हैं, तेजस्वी जी सरकार आए तो वो कहे कि हम लाए हैं, तो ये अभी गहराई में हम सुभाष सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो पहले बार इसको मतलब वो चाह रहे थे और वो उन्हीं के समय में मैंने क्रेडिट कोई और ले लिया, कोई और ले लिया, तो सरकार बदलती है। राजनीतिक में एक अलग सा भूचाल छाया हुआ है, कल जो है फ्लो टेस्ट होने वाला है, जिसमें नीतीश कुमार को अपना जो है फ्लो टेस्ट में यानी अपना ये बहुमत साबित करना होगा कि सभी जो बहुमत लायक जो सीटें हैं उनके पास सभी विधायक हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि खबर ये उड़ के आ रही है कि 5 विधायक जो है जेडीयू के गायब हैं। कोई ये कह रहा है कि भाजपा के 5 विधायक गायब है और भाजपा तो अपने सभी दी है। इन बातों में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं राजीव कुमार सिंह, जो कि गोपालगंज के रहने वाले हैं और जेनिथ कोचिंग के ये डायरेक्टर हैं। ये भाजपा के आने वाले भविष्य में बहुत बड़ा चेहरा होने वाले हैं, इनसे हम जानते हैं। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि तो खेला हो गया। देखिए, कहने के पीछे अर्थ है, सभी पार्टियां अपनी अपनी जितने भी मेंबर हैं उनको उनके पास अपना वजूद रखने के लिए इस तरह से सभी पार्टियां जाए। तो मान लीजिए 5 गो विधायक अभी गायब है, आप कह रहे हैं कि वजूद है, ये न्यूज में है, हकीकत अभी किसी के पास नहीं, किसी विधायक का फोन नहीं लग रहा है महाराज, आउट ऑफ रेंज बता रहा है। नहीं नहीं, वो लोग सब लोग जगह पर हैं, चाहे वो राजद हो, जदयू हो, भाजपा हो, सभी विधायक, कहीं से कोई टूटने वाला नहीं है। और ये जो है भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि जो है सभी पार्टी का जो जीत बना रहे, विश्वास बना रहे, कार्यकर्ता और जो भी विधायक चुन कर गए सब जो है अपने अपने दल में रहे, लेकिन हकीकत यही है कि कल जो है इनकी परीक्षा में ये पास हो जाएंगे। ये गोपालगंज का लड़का लालू जी जो बहुत बड़े राजनीतिक कार हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास सब है, हम सरकार बनाएंगे, हम ये सब कल फ्लो टेस्ट में लो फेल हो जाएंगे। नहीं, ऐसा हमारे दृष्टि से देखा जाए तो अभी ऐसा कुछ होने जाने नहीं। माने आप लोग ठीक हैं? हाँ, सब लोग ठीक है, और बीजेपी की गवर्नमेंट और जदयू की मिलकर साझा गवर्नमेंट जो ये है, कह रहे हैं लोग कि कल जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री कल से नहीं रहेंगे। अभी अभी ये जो चुनाव लोकसभा के बाद ही इस तरह से कोई घटना दुर्घटना, इसको दुर्घटना ही कहिएगा, घटना नहीं, अब बिहार में खारिज दुर्घटना ही हो रहा है, तो ये दुर्घटना संभव है लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद। माने लोकसभा चुनाव के बाद आप लोग नीतीश कुमार को हटा देंगे? देखिए, हम तो अभी राजनीति में पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं किए हैं, लेकिन हमें भी राजनीति में अब रुचि लगी है तो उस पर हम विचार कर रहे हैं, और कुछ है, लोग संपर्क भी किए हैं, तो उसे जितनी समझ है उतनी समझ बता रहे हैं कि नहीं, अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, आप निश्चिंत रहें, बीजेपी पास हो जाएगी, जदयू पास हो जाएगी, वो कहीं से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, ऐसा सभी लोगों को क्यों लगता है कि हमें राजनीतिक में जाना चाहिए? शिक्षा, जैसे आप शिक्षा से बिलोंग करते हैं, गोपालगंज में आपने शिक्षा को काफ़ी प्रमोट किया है, तो आपको आखिर राजनीतिक भी है? अब देखिए, बताते हैं, बिहार में राजनीति में प्रवेश करना अति आवश्यक है। जैसे अभी एक ही बात आपको बताते हैं, हम शिक्षा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, 16 लाख के करीब आबादी है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट की, और उच्च शिक्षा के लिए दुर्भाग्य है। हाँ, तो राजीव सिंह इतना देर बाद क्यों जगे? राजीव सर ये आवाज़ क्यों उठा रहे हैं कि नहीं अभी गोपालगंज में एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए?
हाँ वही बता रहे थे आपको, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो 16 लाख की लगभग आबादी है अनुमानतः, और उसमें 5 डिग्री कॉलेज है, उस 5 डिग्री कॉलेज में मात्र 5,000 सीट है। अब बच्चे पास होते हैं 40,000, वो 35,000 बच्चे कहाँ एडमिशन लेंगे? तो वह उस स्थिति में दूसरी बात स्वास्थ्य, पर्यावरण, इन सब चीज़ों को देखने के बाद लगता है कि इनको सुधार के लिए युवाओं को आगे आना ही पड़ेगा। गोपालगंज में कोई अच्छा रेलवे स्टेशन नहीं है जहाँ से हर मतलब जगहों के लिए ट्रेन मिले, जैसे सिवान में है, जबकि हमारे ज़िले से रेल मंत्री भी रहे हैं। वही यही कारण है, यही कारण है कि आज लालू जी जो हैं वो अपने ज़िला को के लिए कुछ नहीं कर पाए। लेकिन तो उनका बेटा मेडिकल कॉलेज दिए हैं हाल ही में, थावे में, थावे धाम बहुत बेहतर बनने जा रहे हैं। उस मेडिकल कॉलेज में भी हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। अब जो स्वर्गीय सुभाष जी जो विधायक यहाँ सदर विधायक रहे हैं, उनका कहना है कि हम लाए हैं, तेजस्वी जी सरकार आए तो वो कहे कि हम लाए हैं, तो ये अभी गहराई में हम की जानकारी नहीं है, लेकिन हकीकत यही है कि स्वर्गीय मंत्री विधायक सुभाष जी ही के समय में यह जो है घोषणा कर दी गई थी कि यह मेडिकल कॉलेज की स्थापना थावे में की जाए। ये बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि जो मेडिकल कॉलेज गोपालगंज में तेजस्वी यादव ढिंढोड़ा पीट रहे हैं कि हमने गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज दिया, तो ये बहुत बड़ा मतलब खबर निकल के आ रही है कि इसमें सुभाष सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान है, जो पहली बार इसको मतलब वो चाह रहे थे और वो उन्हीं के समय में मैंने क्रेडिट कोई और ले लिया, कोई और ले लिया। तो सरकार बदलती है तो अभी उनके पास शिक्षा विभाग जो है मंत्री के रूप में वो, तो मैंने कल आप लोग स्वास्थ्य अबीर लगाएंगे, होली खेलेंगे। हाँ फिर भी हम आपको एक बार और हम बताना चाहेंगे, हम किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन हकीकत जो आपने पूछा, आपका चैनल वाकई में बहुत लोग प्रशंसक, हम भी उस चैनल के बहुत प्रशंसक हैं और देखते हैं, तो ये आपको आपके माध्यम से और लोगों को हम बताना चाहेंगे कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। आप लोग भ्रम फैला रहे हैं, मीडिया वर्ग जो है इसको भ्रम फैला रहा है। आप जदयू और बीजेपी एनडीए की सरकार बनेगी, रहेगी, बरकरार रहेगी। सवाल ये है, विधायकों के सामने माननीय लगता है, लेकिन सुबह हमारे एक मित्र कॉल किए तो बता रहे थे कि जो आरजेडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और सभी विधायकों को अंदर रखा गया है, मोबाइल वोबाइल जमा करा दिया गया है। यही बात वो जेडीयू कार्यालय में भी जाकर बात कहे, यही बात वो भाजपा वाले के कहे। तो मतलब बिहार की राजनीति इतनी मतलब गंदी हो गई है कि मोबाइलों को जमा कराया जा रहा है, विधायकों को कैद करके रखा जा रहा है। वही हम बता रहे हैं आपको, विधायक का काम ही है जो जनता के हित में काम करना। माननीय लग रहा है उनको भी बंधक बना के रखा जा रहा है। ये माननीय जो है हमको नहीं लगता है, हम अपने इस क्षेत्र में और किसी की हम नाम लेना नहीं पसंद करेंगे और लेना भी नहीं चाहिए, लेकिन कितना विकास हो रहा है जिससे आपका राष्ट्र का विकास होना चाहिए, जिस चीज़ से शिक्षा आपके पास, शिक्षा का कितना इस डिस्ट्रिक्ट में विकास हुआ, पूरे सारण की बात हम बोल रहे हैं, पूरे बिहार की बात बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ करने के लिए, मेडिकल करने के लिए, MBA करने के लिए लाखों लाख की संख्या में दूसरे स्टेट में बच्चे जाते हैं, क्या यहाँ के माननीय लोग को ये समझ में नहीं आता है? सदन में इस पर चर्चा नहीं हो सकती है? एक भी बताइए कि उच्च शिक्षा के लिए, टेक्निकल शिक्षा के लिए कोई भी माननीय इस पर चर्चा किए हो। अच्छा आखिरी मेरा दो सवाल है, राजीव सिंह राजनीतिक में क्यों आना चाहते हैं और आएंगे तो क्या मुख्य बदलाव होंगे? मुख्य रूप से हम यही चाहते हैं कि शिक्षा में सुधार हो, तभी आप जो है सपना देख रहे हैं विकसित राष्ट्र का, विश्व गुरु बनने का, तो यही एक रास्ता। यहाँ जात पात वाले लोगों का क्या होगा? नहीं, वो तो आपके अंदर जो है ये माननीय लोग जो है इंस्टॉल कर दिए हैं, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। आप जात पात धर्म लिंग ये तो आपके अंदर कूट कूट के पूरे बिहार वासियों के अंदर इंस्टॉल कर दिया गया है, तो इसके लिए तो समय लगेगा। इस अच्छा, वायरस कैसे झेलिएगा, इसे कैसे झेलिएगा? यहाँ विधायक का 2025 लड़ेंगे चुनाव, अभी अब कुछ कहना मैंने, फिर भी आपके स्माइल से, आपके मुस्कान ये मतलब बता रहा है कि इच्छा है भाई। क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और हमारे दादाजी भी उस समय
उद्योगपति के रूप में उद्योग यहाँ डाले थे, उद्योगपति तो नहीं कहेंगे, उद्यमी कहेंगे, और उद्योग में उस समय पूरे बिहार में सीताराम उद्योगशाला के नाम से फैक्ट्री खोले थे। जब बिहार में एकमात्र फैक्ट्री पटना में हुआ करता था और दूसरी फैक्ट्री हमारे गोपालगंज में हमारे दादाजी डाले थे, तो उस परिवार से हम लोग हरदम जो है समाज के लिए, युवाओं के लिए काम करना पसंद किए हैं। हमारे दादाजी खुद पढ़ाकर और हमारे गांव के दलित परिवार के छात्र को डॉक्टर बनाए थे, तो हम लोग तो शुरू से करते आ रहे हैं।